उत्तर प्रदेश में कमाल का प्रदर्शन करते हुए इंडिया गठबंधन ने 80 में 43 सीटें जीत ली है। अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ की मोहनलालगंज लोकसभा सीट की, तो यहां पर भी इंडिया गठबंधन समर्थित प्रत्याशी आरके चौधरी ने एक बार फिर से अपना कब्जा कायम कर लिया है। आरके चौधरी ने यहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री और बीजेपी के प्रत्याशी कौशल किशोर को करारी शिकस्त दी है। इस वक्त हम मौजूद हैं मोहनलालगंज लोकसभा के रहमन नगर क्षेत्र में, जहां पर हमारे साथ तो तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं जो आम नागरिक हैं। इन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक बार फिर से जिस तरीके से मोहनलालगंज लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी है उसने अपना कब्जा कायम किया, आखिर इसके क्या कुछ कारण रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तमाम लोग हैं, इनसे इनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से मोहनलालगंज की जो ये लोकसभा सीट है, यहाँ पर आरके चौधरी जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने कब्जा किया है, क्या कारण रहे हैं? कारण ये थी, ये परंपरागत सीट सपा की ही थी शुरू से, लेकिन बीच में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हुआ, उसकी वजह से सीट नहीं निकल पाई। ये परंपरागत सीट हमेशा समाजवादी पार्टी की रही है, और ये अब की बार जो इलेक्शन हुआ है ये बेरोजगारी पर, संविधान बचाने के चक्कर में और किसानों के दुर्व्यवहार के कारण इन सब कारणों से ये सीट समाजवादी पार्टी को वापस आई है। बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं लोगों का कहना है कि ये परंपरागत समाजवादी पार्टी की सीट रही है। हालांकि 2014 में मोदी लहर में बीजेपी के पाले में आई थी, 2019 में भी यहां से कौशल किशोर विजयी हुए थे, और इस बार 2024 में उन्हें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से एक बार शिकस्त खानी पड़ी। और भी लोग हैं भाई साहब, आप किसान लग रहे हैं, क्या लग रहा है कि जो यहां से एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को विजय मिली, क्या कारण रहे होंगे? इसमें कारण ये रहा, कौशल किशोर जी जो थे ये 10 साल सांसद तो थे ही, साथ साथ मंत्री होने के बाद भी क्षेत्र में कभी किसानों को ना ही समय से कृषि इकाई केंद्र में बीज उपलब्ध करा पाए, ना समितियों पे समय पे खाद उपलब्ध करा पाए, और किसानों के साथ जो व्यवहार वर्तमान सरकार का रहा वो बहुत ख़राब रहा। और आवास विकास से 13 गांव की ज़मीन ज़बरदस्ती किसान के अधिग्रहित की जा रही है। इसी पे हम लोग जब चुनाव से पहले सांसद जी से एक बार बैठे, मंत्री जी से बात की गई कि आप लोग जो किसानों की ज़मीन औने पौने रेट पे आवास विकास परिषद द्वारा ज़बरदस्ती ली जा रही है, आप कुछ इसका हम लोगों को रास्ता दिखाएं, तो उन्होंने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। इसी पे हम सब किसान एक मत होके, एकत्रित होके, सभी लोग जागरूक होके परिवर्तन लाने का काम किए। पा रहे किसान के लोग हैं, किसान संगठन से भी जुड़े हुए लोग हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र में आवास विकास जमीन अधिग्रहण कर रहा है, जिसको लेकर के कई बार जो यहाँ के सांसद थे, मंत्री थे, उनसे वार्ता की गई, लेकिन कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। और भी लोग हैं, सर क्या कारण रहा कि इस बार जो यहाँ की जो सीट है वो एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके भारत समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी पार्टी की तरफ जो वो थे बहुत अच्छा काम किया, 2014 में वो जीते, 2019 में भी जीते, लेकिन स्थानीय मुद्दों ने उनको जो इस बार हराने का काम किया है, हम लोगों ने बहुत प्रयास किया उनको जिताने का, लेकिन कार्यकर्ताओं को तवज्जो न देना कुछ ऐसा भी रहा जो बहुत बड़ा कारण रहा। कार्यकर्ताओं को तवज्जो न देना, तो आप क्या मानते हैं कि जो सरकार में जो कार्यकर्ता है उनकी सुनी नहीं जा रही थी, उसी कारण नाराजगी बस ये जो है रिजल्ट देखने को मिला है? हाँ, कहीं तक मेरा मानना है बहुत बड़ा कारण है कि कार्यकर्ताओं को सही से तवज्जो न देना, इसके लिए कुछ कार्यकर्ता भी ढीले रहे। बिल्कुल, और भी लोग हैं, सर क्या लग रहा है कि कैसे क्या समीकरण बने जिससे जो यहाँ का वर्तमान सांसद थे, केंद्रीय मंत्री थे, उनको शिकस्त खानी पड़ी? सर्वप्रथम तो मैं आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि चुनाव समाप्ति के ठीक बाद आप मोहनलालगंज आएँ और यहाँ की जनता से आपने राय जाननी चाहिए। जहाँ तक कारण रहा, 10 साल माननीय सांसद जी हमारे यहाँ पर रहे और 10 साल रहने के उपरांत वो मंत्री भी रहे, ये कहना व्यर्थ है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया या वो क्षेत्र में नहीं आए। क्षेत्र में आए लेकिन उन्होंने उसका एक प्रदर्शन नहीं किया, जैसे कि अन्य पार्टियां करती हैं कि कोई आता है तो एक बहुत तामझाम होता है, उनके साथ में बहुत सारे लोग होते हैं, पहले से कोई कार्यक्रम निश्चित कर दिया जाता है, कुछ इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं, उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। दूसरा कारण क्या था, जैसे ही 5 तारीख होगी, 6 तारीख को सभी बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा, 5 तारीख को जैसे रिजल्ट आएगा, आरके चौधरी जी जीतेंगे, सभी नौजवानों को नौकरियाँ मिल जाएंगी,
जैसे ही आरके चौधरी जी जीतेंगे क्षेत्र की सारी समस्याएं 5 तारीख को समाप्त हो जाएंगी। इतने सारे वादे करने के बाद भी अगर वो 67,000 वोटों से जीतते हैं तो मैं ये नहीं मानता हूं कि वो जीते हुए हैं। मैं आज भी अपनी हार स्वीकार करता हूं, स्वीकार करने में कोई दिक्कत मुझे नहीं है, लेकिन जो वादे उन्होंने किए थे अगर उस वादे पर वोट ना पड़ा होता तो मैं आज भी हमारे सांसद जी को हरा पाना किसी के बस की बात नहीं। घोषणा पत्र था समाजवादी पार्टी का या फिर गठबंधन का, तो घोषणा पत्र के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने जो घोषणाएं थी जनता तक पहुंचाई। आपके भी घोषणा पत्र में कुछ ना कुछ रहा होगा, तमाम मुद्दे रहे होंगे शामिल, तो आप लोग कहाँ पे चूक गए जो अपनी योजनाओं को धरातल तक नहीं पहुँचा पाए? हाँ, सच ये है कि हम लोगों ने जो प्रयास किया वो प्रयास हम लोगों ने लोगों को दिखाया कि हमने आपको आवास दिए हैं, ये देखिए बना हुआ है, हमने आपका 5 लाख रुपये का वो जनधन योजना के तहत आपका खाता खुलाया, वो खाता आपका खुला हुआ है, हम शौचालय बनाए हैं, आपको दिखाया ये शौचालय बना हुआ, आप इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं किस तरीके से तमाम योजनाएं हैं जो गिनाई जा रही हैं कि योजनाएं थी, उन योजनाओं के बदौलत लगातार जो सांसद थे लोगों के बीच में आ रहे थे, लेकिन फिर भी एक बार करा रही, यहाँ पर हार देखने को मिली। और भी लोग हैं सर, तमाम योजनाएं गिनाई जा रही हैं कि जो सरकार की तमाम योजनाएं थी, आखिर जब योजनाओं का लाभ मिला तो कैसे हार गए? चूँकि सांसद जी का खुद का फेलियर है। सांसद जी 10 साल में क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं दिखा, सांसद जी कभी दिखे नहीं जनता को। और दूसरी बात, जो खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो ये तमाम भर्तियां थीं, पर्चे लीक हुए, साथ ही साथ जो किसानों के प्रति इन सब चीज़ों को लेकर के नाराजगी थी, और उसी नाराजगी का ये रिजल्ट। जनता में एक कहीं ना कहीं नाराजगी के भाव देखने को मिल रहे थे। और भी यहाँ पर लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। कुछ युवा भी हैं, कुछ किसान भी हैं, कुछ आम नागरिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, क्या लग रहा है कि आखिर क्या कारण ऐसे बने कि एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का यहाँ पर कब्जा हो गया? नहीं, आर के चौधरी साहब ऐसे प्रत्याशी हैं जो जन जन के प्रिय हैं। पहले भी इन्होंने मोहनलालगंज में बहुत सारे काम किए हैं। हमें आशा है, उम्मीद है महिलाओं के लिए और बेरोजगार युवा हैं उनके लिए भी काम करेंगे। और यहाँ देखा गया है सरकार में पेपर लीक हुआ है, युवा नौजवान पीड़ित है, बेरोजगार है और नौकरी मिल नहीं रही है, त्रस्त हो गया है युवा कहीं ना कहीं, तो इसलिए ये बदलाव हुआ। और आर के चौधरी जी सांसद बने हैं, काम भी बहुत होंगे, पूरे वादे करेंगे। अपेक्षाएँ बहुत हैं लोगों को इस बार? बिल्कुल, अपेक्षाएँ हैं, हमें आशा है, उम्मीद है, महिलाओं के लिए भी काम करेंगे और काम होंगे पूरे। बिल्कुल, देख पा रहे हैं किस तरीके से पेपर लीक का भी मुद्दा उठा है यहाँ पर। लोगों को तमाम अपेक्षाएं कि जो नवनिर्वाचित समाजवादी पार्टी के सांसद हैं वो उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरेंगे। क्या लग रहा है भाई साहब, ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों ने केंद्रीय मंत्री को शिकस्त दे दी? केंद्रीय मंत्री साहब कभी क्षेत्र में दिखे नहीं, लोगों की बातें सुनी नहीं, विकास के नाम पर बिल्कुल जीरो है। एक भी काम सांसद जी का आप इस क्षेत्र में बता दीजिए जो विकास के नाम पे किए हों। महंगाई, किसानों को छुट्टा जानवरों से परेशानी, कई स्थानीय मुद्दे ऐसे थे। एक परीक्षा लीक, 2 पेपर लीक, 3 पेपर लीक, हमारे हिसाब से 9 साल में अब तक के 22 से 24 पेपर इनकी परीक्षाएं लीक हो चुकी हैं। बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं किस तरीके से लगातार पेपर लीक का यहाँ पर मुद्दा उठ रहा है, बेरोजगारी का मुद्दा उठ रहा है, महंगाई का मुद्दा उठ रहा है। एक बार तो संविधान और आरक्षण और रोजगार का प्रभाव देखने को मिला है यहाँ पर? जी बिल्कुल मिला है, क्योंकि जो बहुजन समाज के लोगों ने जो 7 समाजवादी पार्टी का दिया है, ये संविधान को लेकर दिया है। बिल्कुल, देख पा रहे किस तरीके से लोगों का कहना है कि जो आरक्षण के मुद्दा था, जो संविधान का मुद्दा था, उसका भी असर मोहनलालगंज लोकसभा सीट पर देखने को मिला है। और भी लोग हैं, आम लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, पान की गुमटी है, पान की दुकान है, यहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं, इनसे भी राय जानेंगे। क्या ऐसा बना संयोग कि इस बार केंद्रीय मंत्री को आप लोग शिकस्त दे दिए? केंद्रीय मंत्री क्या, जब 10 साल में एक बार भी क्षेत्र नहीं आएंगे, इलेक्शन होता है, इलेक्शन में वोट मांगने घर घर नहीं आए हैं, तो जब कोई विकास नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, तो जनता तो भाई दूसरे को तो चुनेगी। मिले कि नहीं मिले मंत्री जी आपको? कभी नहीं मिले। तो कुल मिलाकर के कभी नहीं, हम इस चौराहे पे हमेशा बैठते हैं, यहाँ कभी नहीं आए वोट मांगे नहीं। संवाद की कमी देखने को मिली है? बिल्कुल। तो बिल्कुल देख पा रहे हैं किस तरीके से जो यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी थे, केंद्रीय मंत्री भी रहे, लोगों को कहना है कि उनके अंदर कहीं ना कहीं संवाद की जो एक कमी थी वो बहुत देखने को मिली। इसी संवाद की कमी का नतीजा है कि यहाँ से उनको समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के सामने कहीं ना कहीं शिकस्त खानी पड़ी। और भी आम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या लग रहा है आपको, ऐसा क्या समीकरण बने कि इस बार परिवर्तन हो गया मोहनलालगंज में? आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो आप इलेक्शन के बाद आज हम लोगों को विचार लेने आए। बहुत बड़ा कारण है कि 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए माननीय सांसद कौशल किशोर जी क्षेत्र में आए होंगे, मैं ये नहीं कहता कि क्षेत्र में नहीं आए, लेकिन
गोसाईगंज और मोहनलालगंज में विशेषतर कोई कार्य या कोई सिलापट नहीं दिखा। यहाँ तक मैं सांसद ना होते हुए मैं गोमीखेड़ा और जो खंडी मार्ग पर लोनी का पुल है उस पर 3 दिवसीय धरना लगा हुआ था। जब सांसद नहीं थे तो 3 दिन धरने पे आए थे और सांसद बनने के बाद आज तक उसका कोई सुधि और कोई ख्याल नहीं किया, इसीलिए जनता ने 2 बार दिया और इस बार नकार दिया। बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं किस तरीके से लोगों में विकास को लेकर के कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सवाल बड़ा खड़ा हो रहा है कि जो क्षेत्र था उनका मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र पिछले 10 सालों में लगातार वो सांसद रहे लेकिन विकास के नाम पर एक भी कार्य नहीं किया, लोगों से संवाद की कमी थी। और भी लोग हैं, जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या लग रहा है, क्या कारण रहे कि इस बार यहाँ पर परिवर्तन हो गया? हमको तो लग रहा है ये जो हमारे सांसद जी थे ध्रुव तारा थे, कभी दिखाई नहीं दिए, कभी कोई काम, मतलब काम जो किए होंगे तो किए होंगे अपने मलिहाबाद क्षेत्र में, यहाँ काम ही नहीं किए। तो मलिहाबाद से भी उनको जो है हार मिली विधानसभा से। अरे तो अब भाई वहाँ को हम नहीं बता सकते, यहाँ पर जो है यहाँ पे तो कोई काम नहीं, जो भी विकास निधि आती होगी वहीं लगाते रहे होंगे, जब यहाँ कुछ काम नहीं किए तो भाई यहाँ की जनता ने उनको वोट नहीं दिया। क्या लगता समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी जीता वो काम करेगा? अब देखो आए हैं, करना होगा करेंगे, नहीं करेंगे तो उनका भी यही हाल होगा। बिल्कुल, आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं लोगों का कहना है कि जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं जिनको जनादेश दिया गया है यदि ऐसी कंडीशन में वो भी विकास नहीं करते हैं, लोगों से संवाद नहीं करते तो आने वाले समय में फिर से एक बार परिवर्तन होगा। फिलहाल और भी लोग हैं, सर क्या लग रहा है, क्या कारण बने ऐसा कि केंद्रीय मंत्री को आप लोगों ने शिकस्त दे दी? कारण ये है कि 10 साल में सांसद जी क्षेत्र में दिखे ही नहीं, ना उनका विकास दिखा। सांसद निधि का 8 करोड़ रुपया वापस कर दिया और जुमलेबाजी पे केवल 10 साल राज किए हैं, केवल उनके पास जुमलेबाजी। भारतीय जनता पार्टी केवल जुमलेबाजी की राजनीति करती है। 15 लाख आपके खाते में आ जाएगा, जनधन खाते में 15 लाख आ जाएगा। अरे किसानों को छलने का काम किया है, यूरिया का रेट वही है लेकिन यूरिया पहले मिलती थी बोरी में 50 किलो, अब आ रही 40 किलो। और डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में, देश में रही है, और नाक के नीचे वो चिराग के नीचे अंधेला, ब्लॉक का प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख गोसाईगंज वो भी भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन ब्लॉक के सामने की रोड देख लीजिए, नहर और नाला बनी हुई है। उसको तो अभी हमने भी देखा, वहाँ अभी भी जल भरा हुआ है रात में थोड़ी सी बरसात के। इसी का कारण है, जनता में आक्रोश है, क्योंकि आर के चौधरी साहब इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रहे हैं, हर घर हर आंगन गए हैं, लगता है परिवर्तन कर देंगे क्या? बिल्कुल परिवर्तन होगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लोग हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो नवनिर्वाचित सांसद है समाजवादी पार्टी के सांसद है कहीं न कहीं वो एक बार यहाँ पर विकास की राजनीति करेंगे और यदि विकास नहीं करेंगे तो उनको फिर कहीं ना कहीं ये अवसर देखने को मिलेगा। और भी लोग देख पा रहे हैं, तमाम पीछे लोग खड़े हुए हैं जो आम लोग हैं यहाँ के, चौराहा है चूँकि मार्केट है, यहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं, हम इनसे भी बात कर लेंगे। सर क्या लगा कि आप लोगों ने केंद्रीय मंत्री को इस बार हरा दिया, ऐसा क्या समीकरण बनाया? ऐसा समीकरण क्या बनाया कि वो यहाँ आते नहीं थे, काम कोई होता नहीं है तो क्या किया जाए। कभी बातचीत नहीं की आप लोग, कभी नहीं गए उनके पास? हम लोग खेती करें कि उनसे बातचीत करने जाएं। तो सांसद जी कभी हालचाल लेने नहीं आए, किसान भाइयों के हालचाल है? कभी नहीं, कभी नहीं। बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं आम जन है जो यहाँ पर मौजूद है जिनका साफ तौर पर कहना है कि सांसद की जो संवाद की कमी थी, लोगों से के बीच में जो आवागमन था वो कहीं ना कहीं कम था, यही सब समीकरण थे कि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। एक युवा साथी आए हुए हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। भैया थोड़ा समझना ये चाहेंगे, यहाँ से जो केंद्रीय मंत्री थे कौशल किशोर जी, उन्हें आप लोगों ने हरा दिया, समाजवादी पार्टी को जिता दिया, ऐसा क्या सोचा, क्या सोच के मतदान किया था? देखो हम तो एक युवा हैं, हमारे लिए सबसे पहले रोज़गार, हम अभी लाइब्रेरी से आ रहे हैं, समथिंग रोज़ डेली 8-10 घंटा पढ़ते हैं, ठीक है। कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? टीचर की। टीचर की, ठीक है जी। और इन्हों के मतलब इनकी कई भी पॉलिसी से शिक्षा के मामले में ना पूरा ध्वस्त हैं, शिक्षा के मामले में इनमें कोई सुधार नहीं है। आपको आपको जैसे बता दें ऐसी बहुत पॉलिसी की कि आपको वैकेंसियां ना देनी पड़े, ठीक है। मान लीजिए अगर एक प्राइमरी में आप मान लीजिए, अगर अब क्या लगता है समाजवादी पार्टी को जिता दिए तो वैकेंसी आ जाएंगी? अगर शायद सरकार इनकी बनती है तो एक चांस तो रहेगा, और नहीं भी बनती है तो अभी कम से कम थोड़ा सा इनके ऊपर दबाव तो रहेगा इस चीज को लेकर। दबाव रहेगा, लोगों को कहना है कि सांसद को इसलिए हराया, लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी को इसलिए हराया कि सरकार पे एक दबाव रहे, सरकार बेरोजगार की बात सुने, महंगाई की बात सुने, कहीं ना कहीं उनकी जो तमाम मूलभूत सुविधाएं थी उन पर ध्यान दे रहे। ये तमाम वो हमारे साथ लोग थे जो मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र के लोग थे जिनकी अपनी राय थी, जिन्हें आप सीधे तौर पर यहाँ पर सुन रहे थे। भारत समाचार से अभिषेक कुमार यादव।